नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और यह है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा। दोस्तों, सैमसंग ने S22 सीरीज में One UI 5 का बीटा अपडेट रिलीज कर दिया है इंडिया में। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, सॉफ्टवेयर अपडेट में, लास्ट अपडेट में, आप यहां पे देख सकते हो One UI 5 अपडेट एंड्रॉइड 13। और इसमें कई सारे चेंज लॉक्स मेंशन किए गए हैं, मतलब कि कौन कौन से नए फीचर्स ऐड किए गए हैं इस अपडेट में। बात करते हैं इसके साइज की, तो इसकी साइज है 2970 MB, ऑलमोस्ट 2.9 GB साइज है इस अपडेट की। और ये लॉन्च किया गया है 1 अगस्त 2022 के सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ। इंडिया में ये जो लॉन्च हुआ है बीटा वन अपडेट, ये सेम है जो ग्लोबली लॉन्च हुए हैं बीटा वन और बीटा टू के कंबाइन। मतलब बीटा वन और बीटा टू में जो भी फीचर्स आपको मिलते हैं ग्लोबल वर्जन में, वो सब आपको मिलेंगे बीटा वन अपडेट में जो इंडिया में रिलीज किया गया है। तो हम बात करने वाले हैं One UI 5 के बीटा वन अपडेट में मिलने वाले टॉप 60 न्यू फीचर्स की। और ये वही फीचर्स है जो आपके सैमसंग के अलग अलग मॉडल्स में देखने मिलेंगे जब आपके फोन में One UI 5 का अपडेट आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इन सभी टॉप 60 न्यू फीचर्स को वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं ऐड होने वाले नए क्विक टॉगल्स की। तो अगर आप जाओगे क्विक पैनल में, प्लस के साइन पे अगर आप टैप करोगे, तो आपको मिलेंगे यहां पे 5 नए क्विक टॉगल्स, जैसे कि हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, कलर इन्वर्जन, ऐड कलर फिल्टर, कलर एडजस्टमेंट और प्रोटेक्ट बैटरी। तो आप इन्हें ऐड कर सकते हो ड्रैग करके, और इन्हें वन टैप में आप यूज कर सकते हो, ताकि आपको सेटिंग्स में जाना ना पड़े, यही से आप वन टैप में इन्हें यूज कर पाओगे। अब कई सारे सिस्टम एप्स के आइकन को चेंज किया गया है। तो अगर आप देखोगे, ये है कुछ सिस्टम ऐप आइकन्स जिन्हें चेंज किया गया है, जिसमें है बिग्सबी विजन, गैलरी, गेम लॉन्चर, माई फाइल्स, AR जोन, कैलेंडर, सेटिंग्स, मैसेजेस, फोन और सैमसंग मेंबर्स। आप देख पा रहे हो ये जो आइकन से काफी अलग है पहले से, खास करके गैलरी का जो लुक है कंप्लीटली चेंज हुआ है। नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो आप यहां पे क्लियरली एक बड़ा चेंज देख सकते हो, कि जो आइकन से ऐप के आइकन, जिस किसी ऐप से नोटिफिकेशन आई हुई है, उस ऐप का आइकन अब आपको नोटिफिकेशन के सेंटर में देखने मिलेगा। एज में आप यहां पे देख पा रहे हो, पहले जो आइकन था छोटा सा होता था ऊपर में पहली लाइन के सामने, लेकिन अब बीच में सेंटर में बड़ा आइकन शो करेगा। तो आप देख सकते हो इस फोटो में बिफोर और आफ्टर क्या चेंजेस किए गए हैं नोटिफिकेशन पैनल में। कलर पैलेट्स को और ज्यादा इंप्रूव किया गया है। तो अगर आप जाओगे वॉलपेपर एंड स्टाइल में, कलर पैलेट में, तो आप यहां पे देखोगे दो सेक्शन है, यहां पे वॉलपेपर कलर्स और बेसिक कलर्स। तो वॉलपेपर कलर्स में आपको मिलेंगे 8 कलर पैलेट्स वॉलपेपर के कलर के हिसाब से, और बाकी है बेसिक कलर्स जिसमें होंगे 8 सोलो कलर्स और 4 ड्यूअल टोन कलर्स। तो आपको जो कलर पैलेट सेट करना है आप उसे भी सेट कर सकते हो। कलर पैलेट को यूज करना है कि नहीं करना है, उसके लिए टॉगल भी दिया गया है। आप यहां से कलर पैलेट को ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप इसे ऑफ करोगे तो जो डिफॉल्ट होगा कलर पैलेट ब्लू कलर वाला, वही सेट हो जाएगा। अगर आपको इसे ऑन करना है तो ऑन कर सकते हो। अब जो भी कलर पैलेट आप चूज करोगे, अब वो अप्लाई होगा वॉल्यूम पैनल पे भी। तो पहले वॉल्यूम पैनल पे कलर पैलेट अप्लाई नहीं होते थे, लेकिन अब कलर पैलेट अप्लाई होंगे। तो मान लो मैंने इस कलर पैलेट को अप्लाई किया है, तो आप देखोगे वॉल्यूम पैनल की जो थीम है आपको इस तरीके से शो करेगी। तो जो कलर थीम या कलर पैलेट आप अप्लाई करोगे, उस कलर के हिसाब से जो वॉल्यूम पैनल है उसका कलर भी चेंज होगा। अब आप अपने फोन में स्टैक विजेट का भी यूज कर पाओगे, मतलब कि आप एक ही प्लेस पे 7 अलग अलग विजेट्स को सेट कर पाओगे, जिससे पहले सैमसंग ने नाम दिया था स्मार्ट विजेट, अब इसको नाम दिया गया है स्टैक विजेट। तो आपको अगर इसे इनेबल करना हुआ, तो किसी भी विजेट पे आपको लॉन्ग टैप करना है, जाना है क्रिएट स्टैक में, और आपको जो भी ऐड करना है उस पर बस आपको टैप करना है, ऐड कीजिए। इस तरीके से आप एक साथ 7 विजेट्स को ऐड कर सकते हो। ये रहे 2, ये तीसरा आप यहां से ऐड कर सकते हो। इस तरीके से आप वन बाय वन ऐड कर सकते हो यहां पे, और आप ऑटो रोटेट विजेट को भी इनेबल कर सकते हो। तो मैंने अभी फिलहाल 3 ऐड किए हैं, तो आप इनके बीच में इस तरीके से स्वाइप करके स्विच कर सकते हो। एक नया विजेट ऐड किया गया है विजेट्स पैनल में। तो अगर आप लॉन्ग टैप करोगे, जाओगे विजेट्स में, नीचे आपको मिलेगा स्मार्ट सजेशन का एक नया विजेट, आपको इसे करना है ड्रैग करके ड्रॉप। और ये रहा स्मार्ट सजेशन। इसमें क्या होता है, आप जिस तरीके से अपने फोन को यूज करते हो, उस तरीके से आपको मिलेंगे ऐप आइकन या ऐप शॉर्टकट्स। तो आप शॉर्टकट तरीके से
उन एप्स को या उन एक्टिविटी को लॉन्च कर सकते हो इस विजेट के जरिए। अब जब भी आप किसी ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे इंस्टॉल करने के बाद, तो आपको मिलेगा एक पॉपअप जिसमें आपको पूछा जाएगा कि क्या आपको इस ऐप से नोटिफिकेशन रिसीव करनी है, तो आप अलाउ या नोट अलाउ कर सकते हो। तो मान लो मुझे क्रिकबज मैंने इंस्टॉल किया है पहली बार, अब मैं इसे ओपन कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको मिलेगा ये वाला पॉपअप जिसमें पूछा जाएगा अलाउ क्रिकबज टू सेंड यू नोटिफिकेशंस, तो आप यहां से अलाउ या डोंट अलाउ कर सकते हो। अगर मैं करूंगा डोंट अलाउ तो मतलब कि इस ऐप से मुझे कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव नहीं होगी। अब आप अलग अलग कॉन्टेक्ट्स के लिए अलग अलग कॉल बैकग्राउंड्स को सेट कर सकते हो, ताकि कॉल बैकग्राउंड्स को देखकर ही आपको पता चले कि कौन से कॉन्टेक्ट से कॉल आ रहा है। तो आपको जाना है फोन ऐप में, उस कॉन्टेक्ट पे टैप कीजिए, आई पे टैप कीजिए, एडिट कीजिए, व्यू मोर पे टैप कीजिए, और ये रहा कॉल बैकग्राउंड। तो कॉल बैकग्राउंड पे टैप कीजिए, आपको जो सेट करना है उस पर टैप कीजिए, सेट एज कॉल बैकग्राउंड। तो जब भी मुझे अब इस कॉन्टेक्ट से कॉल आएगा तो मुझे मिलेगा जो मैंने सेट किया है वो कॉल बैकग्राउंड। इस तरीके से आप अलग अलग कॉन्टेक्ट्स के लिए अब अलग अलग कॉल बैकग्राउंड को सेट कर सकते हो अपने फोन में। कौन से ऐप से आपको किस टाइप की नोटिफिकेशन रिसीव करनी है, तो आप काफी अच्छे से अब ऑन ऑफ कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो नोटिफिकेशन को। तो आपको उस ऐप पे लॉन्ग टैप करना है, ऐप पे टैप कीजिए, जाइए नोटिफिकेशन में, और ये रहे तीन ऑप्शंस। तो अगर आप चाहते हो लॉक स्क्रीन पे इस ऐप से नोटिफिकेशन शो ना करे, तो मैं इसे टैप करूंगा नॉट अलाउड, इसे भी टैप करूंगा नॉट अलाउड। मतलब कि आपको बैच किसमें शो करना है, पॉपअप किसमें शो करना है, लॉक स्क्रीन में कौन से ऐप से नोटिफिकेशन शो करनी है, तो आप अलग अलग तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हो किसी भी ऐप के लिए। मान लो मैंने बैच को किया है नॉट अलाउड, पॉपअप को किया है नॉट अलाउड, मतलब कि इस ऐप से कोई भी नोटिफिकेशन के लिए मुझे बैच शो नहीं करेगा और पॉपअप भी शो नहीं करेगा। तो आप देख पा रहे हो सभी के लिए, मतलब यहां पे इसमें बैच शो कर रहा है लेकिन प्ले स्टोर में बैच शो नहीं कर रहा है। तो आप इस तरीके से अलग अलग ऐप्स के लिए अलग अलग तरीके से नोटिफिकेशन सेटिंग्स को कस्टमाइज कर सकते हो। आप अगर अलग अलग ऐप्स में अलग अलग लैंग्वेज को यूज करना चाहते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मान लो मुझे प्ले स्टोर में हिंदी यूज करना है, इसके अलावा यूट्यूब में मराठी यूज करना है, जीमेल में इंग्लिश यूज करना है, तो आप इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज सेट कर सकते हो। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, जनरल मैनेजमेंट में, तो ये रहा ऐप लैंग्वेजेस का नया फीचर। तो जो भी एप्स मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं यहां पे वो एप्स शो करेंगे। मान लो अब मुझे गूगल में यूज करना है हिंदी, तो मैं करूंगा हिंदी, और मैप्स में मुझे यूज करना है मराठी, तो मैंने इस तरीके से लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। तो गूगल अब जो है हिंदी में मुझे शो करेगा, जो भी न्यूज होंगे यहां पे हिंदी में ही शो होंगे, आप देख सकते हो। इसके अलावा मैप्स की बात करेंगे तो मुझे मैप्स अब शो करेगा मराठी में, तो आप देख पा रहे हो मैप्स जो है मराठी में चेंज हो चुका है। तो जो भी मेनूज होंगे वो भी मराठी में शो कर रहे हैं, और जो भी यहां पे एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी मराठी में शो कर रही है। सेटिंग्स में एक नई सेटिंग को ऐड किया गया है। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में कनेक्टेड डिवाइस, आप देखोगे आपको मिलेगा ये नया सेटिंग कनेक्टेड डिवाइसेस। तो इसमें आपको मिलेंगे अलग अलग ऑप्शन, ये पहले भी थे लेकिन अब इसका जो ऑप्शन है अलग से दिया गया है। हालांकि मेरे हिसाब से दो ऑप्शन यहां पे नए ऐड किए गए हैं, ऑटो स्विच बर्ड्स और स्मार्ट व्यू। स्मार्ट व्यू पहले हालांकि क्विक टॉगल में ही शो करता था, लेकिन अब सेटिंग्स में भी आपको स्मार्ट व्यू शो करेगा, मतलब कि स्क्रीन कास्टिंग का ऑप्शन, जिसमें आपको मिलेंगे दो नए ऑप्शन, शो नोटिफिकेशन ऑन टीवी और शो सेल्फी वीडियो इन स्मार्ट व्यू मेनू। अब आप अपनी सेल्फी वीडियो को भी शो कर सकते हो कास्टिंग के दौरान। इसके अलावा ऑटो स्विच बर्ड्स का भी फीचर दिया गया है, मतलब कि अगर मान लो आपके गैलेक्सी बर्ड्स को कोई और यूज कर रहा है, और अगर आपके फोन में कोई कॉल आता है, आप म्यूजिक प्ले करते हो, तो उस डिवाइस से आप गैलेक्सी बर्ड्स को ऑटोमेटिकली स्विच कर सकते हो इस डिवाइस में। इसके अलावा और एक नई सेटिंग को नया लुक दिया गया है, जो है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। पहले इसका नाम था बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी, लेकिन जब आप इस पर टैप करोगे तो इसका जो लुक है कंप्लीटली चेंज हुआ है। मतलब कि अगर कोई इशू है आपके फोन में तो यहाँ पे इशू शो करेंगे, आपको कौन कौन सी इशू किस तरीके से सोल्व करनी है यहाँ पे बताया जाएगा। इसके अलावा लॉक स्क्रीन, अकाउंट्स, फाइंड माय मोबाइल, ऐप सिक्योरिटी, अपडेट्स, प्राइवेसी, आपके बायोमेट्रिक्स, सैमसंग पास, सिक्योर फोल्डर, प्राइवेट शेयर, अदर सिक्योरिटी सेटिंग, सब कुछ आपको एक ही प्लेस पे शो करेंगे अब इस तरीके से। कनेक्शंस में एक नए फीचर को ऐड किया गया है, और वो है अल्ट्रा वाइडबैंड, मतलब कि UWB। इसका यूज किया जाता है एक्यूरेट लोकेशन ट्रैक करने के लिए, और इसकी एक्यूरेसी होती है प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर, जो काफी एक्यूरेट है GPS और ब्लूटूथ के मुकाबले। ये सेम
टेक्नोलॉजी यूज की जाती है एप्पल के एयर टैग में और सैमसंग के स्मार्ट टैग में, जिसके जरिए आप अब इस डिवाइस को भी काफी एक्यूरेटली लोकेट कर पाओगे स्मार्ट थिंग्स इस ऐप के जरिए। साउंड्स एंड वाइब्रेशन में अब आपको मिलेंगे दो अलग अलग सेटिंग्स, एक है सिस्टम साउंड और दूसरा है सिस्टम वाइब्रेशन। तो जो भी सिस्टम साउंड है आप यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो और कितना लेवल रखना है साउंड का आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा वाइब्रेशन की बात करेंगे तो कौन कौन से सिस्टम वाइब्रेशन आपको ऑन करने हैं, ऑफ करने हैं, इसके अलावा कितनी रखनी है इंटेंसिटी वाइब्रेशन की आप यहां से एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से अब आपको मिलेगा साउंड के लिए और वाइब्रेशन के लिए अलग अलग सेटिंग्स का ऑप्शन। सेफ्टी एंड इमरजेंसी में एक नए ऑप्शन को ऐड किया गया है, तो अगर आप इसे ओपन करोगे तो आपको मिलेगा नया फीचर, ये रहा इमरजेंसी SOS। तो अगर आप इसे ऑन करोगे तो इसका मतलब क्या होता है, अगर आप 5 बार पावर बटन पे प्रेस करोगे तो एक इमरजेंसी कॉल जाएगा जो भी नंबर आपने सेट किया है उस नंबर पे, और जो भी आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से उन लोगों को आपके फोन में कितनी बैटरी लेफ्ट है, फ्रंट कैमरा रियर कैमरे से कैप्चर की गई फोटो और ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ सेंड हो जाएगा। तो आप यहां से भी इसे ऑन ऑफ कर सकते हो और काउंटडाउन भी सेट कर सकते हो। मान लो मिस्टेक से अगर आपने इसे ऑन किया तो कितने सेकंड का आपको मिलेगा टाइम कि आप इस SOS को ऑफ कर सको, तो आप यहां पे काउंटडाउन भी सेट कर सकते हो सेकंड के हिसाब से। अकाउंट्स एंड बैकअप में एक नए शानदार फीचर को ऐड किया गया है, तो अगर आप इसे ओपन करोगे आपको मिलेगा नया यूजर्स का ऑप्शन, इसका मतलब है मल्टीपल यूजर या फिर गेस्ट मोड। तो आप अब अपने सैमसंग के फोन में गेस्ट मोड का भी यूज कर सकते हो, आपका यह है एडमिन अकाउंट और आपका एक यूजर अकाउंट और एक गेस्ट मोड। तो आप इस तरीके से 3 डिफरेंट अकाउंट में अपने फोन को यूज कर सकते हो, और अगर आपको इसे क्विकली स्विच करना हुआ तो आपको स्वाइप डाउन करना है और ऊपर में मिलेगा आपका एडमिन अकाउंट, उस पर टैप कीजिए और आप इस तरीके से स्विच कर सकते हो अलग अलग प्रोफाइल में। आप देख पा रहे हो अब जो मेरा अकाउंट है, मेरा फोन जो है यस टेक्नो दूसरे अकाउंट में स्विच हो चुका है। तो जो भी एप्स होंगे, जो भी मीडिया होंगी, जो भी सेटिंग्स होंगी वो अलग अलग रहेंगी अलग अलग प्रोफाइल मोड में। तो आप इस तरीके से अब अपने फोन में यूजर स्विच कर सकते हो बड़ी आसानी से। एडवांस फीचर्स में लैप्स में आपको मिलेंगे दो नए फीचर, तो अगर आप ओपन करोगे लैप्स को ये रहे दो नए फीचर। पहला है स्वाइप फॉर पॉपअप व्यू। अब इसका मतलब क्या है, आप अब टॉप कॉर्नर से लेफ्ट या राइट से स्वाइप करोगे डाउन तो आप किसी भी ऐप को इस तरीके से पॉपअप व्यू में इनेबल कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो आप यहां से करिए या फिर यहां से स्वाइप कीजिए और आपको जितनी साइज रखनी है उतनी साइज रखिए। इस तरीके से अब आप पॉपअप व्यू में काफी आसानी से किसी भी ऐप को स्विच कर सकते हो। और अगला है स्वाइप फॉर स्प्लिट व्यू। अगर आपने इसे ऑन किया मतलब कि आप अपने दो फिंगर से बॉटम से अगर स्वाइप अप करोगे तो कोई भी जो ऐप होगा स्प्लिट व्यू में इनेबल हो जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आपको बॉटम से स्वाइप अप करना है दो फिंगर से तो ये स्प्लिट व्यू में ओपन हो जाएगा और आप फिर किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हो नीचे इस तरीके से। स्प्लिट व्यू में जब भी आप किसी ऐप को ओपन करते हो तो आपको पता होगा आपको मिलती है ये लाइंस ऊपर और नीचे भी। इसमें आपको मिलते थे पहले 3 ही मेनू, लेकिन अब आपको शो करेंगे 4 मेनू। जो पहला है वो है ऑल एप्स के लिए, इसे ऐड किया गया है। इस पर टैप करके आप सभी एप्स को यहां पे ओपन कर सकते हो और उस ऐप के बदले अब आपको किसी दूसरे ऐप को ओपन करना हुआ तो उस पर टैप कीजिए, उस प्लेस पे अब दूसरा ऐप ओपन हो जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा जब भी आप टैप करोगे इस बीच वाले थ्री डॉट्स पे तो आपको मिलेंगे सेम मेनू स्विच के लिए और ऐप पेयर के लिए, लेकिन यहां पे इनका थोड़ा लुक चेंज है और ये आपको मिलेंगे अब एनिमेटेड, एनिमेशन आपको शो करेगा पहले में। इसके अलावा ये जो है ऐप पेयर के लिए, तो आप अब चूज कर सकते हो कि जो ऐप पेयर है कहां पे ऐड करना है, होम स्क्रीन में या फिर एच पैनल में। अगर मैं करूंगा होम स्क्रीन में तो आप देखोगे जो ऐप पेयर है केवल होम स्क्रीन में ही ऐड होगा। इस तरीके से आपको मिलेगा ऑप्शन कि अब आपको कहां पे ऐड करना है और आप दोनों को अब एक साथ इस तरीके से यूज कर पाओगे। अब जब भी आप किसी रिसेंट ऐप पे लॉन्ग टैप करोगे तो आप उसे अब पॉपअप में भी ओपन कर पाओगे, तो आपको लॉन्ग टैप करना है उस ऐप पे और आपको उसे प्लेस करना है बीच में। पहले होता था केवल स्प्लिट व्यू में, लेकिन अब अगर आप बीच में प्लेस करोगे तो आप उसे अब पॉपअप में भी ओपन कर सकते हो रिसेंट ऐप से ही। कनेक्शंस में अगर आप जाओगे वाईफाई में और आपको मिलेगा यहां पे नया ऑप्शन, ये है इंटेलिजेंट वाईफाई। तो इसमें कुछ ऑप्शंस है जो पहले भी थे अवेलेबल, लेकिन कुछ ऑप्शंस इसमें नए ऐड किए गए, जैसे कि स्विच टू बेटर वाईफाई नेटवर्क्स। तो मान लो आपके प्लेस पे कई सारे वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है, लेकिन कोई वाईफाई अगर बेहतर है, उसका सिग्नल और स्पीड अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली वो बेटर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रायोरिटाइज
इंपॉर्टेंट डेटा ये भी ऐड किया गया है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी आप गेम खेल रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, उसके लिए ज्यादा डेटा यूज किया जाएगा, बैकग्राउंड एक्टिविटी के लिए डेटा यूज नहीं होगा। और इसमें ही आपको मिलेगा वाईफाई डेवलपर ऑप्शन का फीचर, हालांकि अब आपको यहां पे शो नहीं करेगा, आपको इंटेलिजेंट वाईफाई पे टैप करना है 7 times, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद नीचे आपको मिलेगा वाईफाई डेवलपर ऑप्शंस, तो इसमें भी आपको मिलेंगे कुछ अलग अलग ऑप्शंस। मेरे हिसाब से काफी जो शानदार फीचर इसमें वो है नियर बाय वाईफाई इंफॉर्मेशन, मतलब कि आसपास में जो भी वाईफाई है आपके एरिया के या आपके फोन के अराउंड में, वो कौन से वाईफाई नेटवर्क है, इसके अलावा उनका नेटवर्क रिसेप्शन कैसा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बात करते हैं बैटरी एंड डिवाइस की, तो आपको पता होगा मेमोरी में आपको मिलता है रैम प्लस का फीचर, लेकिन पहले आप रैम प्लस को ऑन ऑफ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आपको मिलेगा ऑन ऑफ करने के लिए टॉगल। जैसे आप रैम प्लस पे टैप करोगे तो ये रहा ऑन ऑफ का टॉगल, तो अगर आपको यूज नहीं करना है रैम प्लस, तो आप सिंपली यहां से ऑफ कर सकते हो स्टोरेज को सेव करने के लिए। इसके अलावा डिवाइस स्क्रीन में आपको एंड में लास्ट में मिलेगा एक नया फीचर जो बड़े काम का है, ये है मेंटेनेंस मोड। अगर आप इसे ऑन करोगे तो होता क्या है, जब भी आप अपने फोन को सर्विस सेंटर में देते हो रिपेयर करने के लिए, तो आपको इस मोड को ऑन करके देना है। इससे क्या होगा, सामने वाला जो बंदा होगा टेक्नीशियन आपके किसी भी कंटेंट को यूज नहीं कर पाएगा, तो जो भी सिस्टम एप्स से और सेटिंग्स से उन्हें ही एक्सेस कर पाएगा आपके डेटा को बिना एक्सेस किए। एक नए एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को ऐड किया गया है। अगर आप जाओगे एक्सेसिबिलिटी में, एडवांस सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी बटन में, सिलेक्ट एक्शंस में, आपको मिलेगा नया ऑप्शन, ये रहा मैग्नीफायर। इस पर टैप कीजिए और ये मैग्नीफायर ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप इस पर टैप करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा, लेकिन ये है अलग मोड, जूमिंग मोड मैग्नीफायर के लिए। तो आप यहां से जूमिंग लेवल एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, टॉर्च को ऑन ऑफ कर सकते हो, इसके अलावा जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है उसे एडजस्ट कर सकते हो, फिल्टर जो है अलग अलग यहां पे ऐड कर सकते हो। तो ये है मैग्नीफाई करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको पास से देखना हुआ तो आपको मैग्नीफायर मोड का यूज करना है। और अगर आपने किसी भी एक्सेसिबिलिटी बटन को इनेबल किया होगा तो उसे ऑफ करना काफी आसान हो गया। अब आपको सेटिंग्स में जाकर इसे ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, एडिट पे टैप करना है और आपको उस टिक पे अनटिक करना है, और यहां से जो मेनू होगा वो डिसेबल हो जाएगा। अगर आप एज पैनल को ओपन करोगे और जाओगे एप्स के एज पैनल में, तो आप देखोगे अब एप्स के नीचे ऐप का नाम भी शो करता है। पहले नाम शो नहीं होता था, लेकिन अब ऐप के नीचे नाम भी आप शो कर सकते हो। और इसे इनेबल करने के लिए आपको पेंसिल के आइकन पे टैप करना है, फिर थ्री डॉट पे टैप करना है, और ये रहा शो एप्स नेम। अगर आप इसे ऑफ करोगे तो नेम अब यहां पे शो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इसे ऑन करते हो तो ऐप के नीचे अब एप्स के नाम भी शो करेंगे ऐप के एज पैनल में। बैटरी एंड डिवाइस स्क्रीन में एक नए ऑप्शन को ऐड किया गया है, हालांकि पहले भी था लेकिन अब थोड़ा अलग इसे कर दिया गया है। तो अगर आप जाओगे थ्री डॉट्स पे टैप करोगे ऑटोमेशन में, तो ये है ऑटो ऑप्टिमाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप इसे ऑन करोगे तो फोन जो होगा ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा। आप यहां पे कोई भी टाइम सेट नहीं कर सकते, आप जिस टाइम में अपने फोन को यूज नहीं करते उस टाइम में कभी भी आपका फोन रिस्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपका फोन आपके सामने रिस्टार्ट हो रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये दिन में एक बार होगा अगर आप इसे ऑन करते हो तो। अगर आप चाहते हो आपका फोन रिस्टार्ट ना हो तो आपको इसे ऑफ करना है। अब जब भी आपको कोई भी कॉल आएगा तो कॉलिंग के दौरान आप जो नोट्स है उसे नोट डाउन कर सकते हो। मान लो सामने वाला कोई आपको किसी का कॉन्टैक्ट नंबर बता रहा है या एड्रेस बता रहा है, आपको नोट डाउन करना है, तो आपको मिलेगा अब नया ऑप्शन, ये रहा टेक नोट्स का। इस पर टैप कीजिए, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो कोई भी नंबर या एड्रेस जो भी आपको कुछ बता रहा है नोट करना है। फिर आप इसे क्लोज करोगे तो ये जो नोट होगी से हो जाएगी सैमसंग नोट्स में। इसके अलावा जब भी आप इस कॉल को कट करोगे तो आप उस नोट को देख सकते हो यू नोट्स पर टैप करके। तो जो भी नोट आपने ऐड किए कॉल को एंड करने के बाद भी इस तरीके से आप देख सकते हो। आपको पता होगा लॉक स्क्रीन पे आप एक साथ 15 वॉलपेपर को सेट करके रख सकते हो, और उन्हें अब ऐड करना रिमूव करना काफी आसान हो चुका है। जैसे आप लॉन्ग टैप करोगे जाओगे वॉलपेपर स्टाइल में, गैलरी में, और जो भी वॉलपेपर आपको ऐड करने हैं आपको उन वॉलपेपर को ऐड करना है। मान लो मुझे ऐड करने हैं ये कुछ वॉलपेपर, तो मैं इन्हें करूंगा सिलेक्ट। ठीक है, मैंने 10 यहां पे सिलेक्ट किए हैं, मैं डन करूंगा तो अब ये ऐड हो चुके हैं। अब इनके ऊपर आपको माइनस का साइन भी मिलेगा, आप देख पा रहे हो पहले यहां पे माइनस का साइन नहीं होता था, अब यहां पे माइनस का साइन भी है। तो आपको अगर इसे रिमूव करना हो तो रिमूव भी कर सकते हो, और सामने प्लस का साइन भी दिया गया है, मतलब आपको अगर ऐड करना हुआ तो आप ऐड भी कर सकते हो। तो पहले ये
माइनस का और प्लस का साइन नहीं था, लेकिन अब ऐड करना रिमूव करना काफी आसान हुआ है वॉलपेपर सर्विस में। माय फाइल्स में सर्च ऑप्शन को काफी एडवांस किया गया है। अब आप किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट्स के अंदर वर्ड जो होते हैं ना उससे सर्च कर सकते हो। तो मान लो अगर आपको सर्च करना है कुछ ऐसा जो किसी डॉक्यूमेंट के अंदर में लिखा हुआ है, तो आपको सर्च इनसाइड फाइल्स इसे इनेबल करना है। और मान लो मुझे सर्च करना है क्रेडिट, तो जिस किसी डॉक्यूमेंट्स में फाइल्स में क्रेडिट होगा वो डॉक्यूमेंट या फाइल मुझे शो करेगी। और आप देख पाओगे इस फाइल या डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं पे क्रेडिट लिखा होगा, इसलिए ये फाइल मुझे शो की है सर्च रिजल्ट में। आप देख सकते हो यहां पे ये है क्रेडिट लिखा हुआ। इसके अलावा अगर आप जाओगे किसी फोल्डर में माय फाइल्स में, तो आपको मिलेगा और एक नया ऑप्शन सर्च में, और वो है सर्च करंट फोल्डर ओनली। मतलब आपको कुछ भी सर्च करना हुआ तो आप जिस फोल्डर में हो उसी फोल्डर में अगर आपको सर्च करना है तो आपको इसे ऑन करना है। जो भी आप सर्च करोगे तो जो फोल्डर आपने ओपन किया है उसी फोल्डर में सर्च होगा। बात करते हैं गैलरी में ऐड होने वाले नए फीचर्स की। तो किसी भी फोटो को अगर आप ओपन करोगे तो आपको नीचे मिलेगा टी का आइकन, ये रहा टी का आइकन, ये है टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो किसी भी फोटो में से अगर आपको टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आप टी का यूज करके कर सकते हो। आपको टी पे टैप करना है, सारे टेक्स्ट यहां पे शो करेंगे, फिर आप उस पर लॉन्ग टैप करके सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप लॉन्ग टैप करके भी उस टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो इस तरीके से। और ये फीचर किसी भी फोटो में वर्क करता है। अगर किसी भी फोटो में टेक्स्ट होगा तो आप उस फोटो से टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो इस तरीके से, आप देख सकते हो। और अगर आप किसी भी फोटो में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करोगे तो अगर वो कोई फोन नंबर होगा तो आपको मिलेगा कॉल का ऑप्शन, अगर वो टेक्स्ट कोई प्लेस का नाम होगा तो आपको मिलेगा मैप का ऑप्शन, अगर वो टेक्स्ट कोई ईमेल होगा तो आपको मिलेगा ईमेल का ऑप्शन। इस तरीके से आपको टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन में सजेशन भी मिलेंगे अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए। अब आप किसी भी फोटो में से अलग अलग शेप में कटआउट को कट करके स्टिकर क्रिएट कर सकते हो। तो आपको एडिट पे टैप करना है, लैसो पे टैप कीजिए। अब आपको मिलेंगे दो ऑप्शन, एक होता है फ्री फॉर्म जिसमें आपको स्नैप टू शेप, सिलेक्ट मैन्युअली, डिसिलेक्ट का ऑप्शन मिलता है पहले से, लेकिन आपको मिलेगा आप शेप का नया ऑप्शन। तो अब आप पांच अलग अलग शेप में स्टिकर को क्रिएट कर सकते हो, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, हार्ट है और स्टार है। तो आप जिस शेप में कटआउट करोगे उस पोर्शन को उसका बनेगा स्टिकर, आप देख पा रहे हो। और इस स्टिकर को आप सेंड कर सकते हो अलग अलग ऐप में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। तो ये बना है हमारा स्टिकर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ स्टार शेप में। अब आप किसी भी फोटो में कई सारे इमोजी स्टिकर को ऐड कर सकते हो। तो आपको एडिट पे टैप करना है और जाना है इमोजी के बटन पे टैप कीजिए, और ये है स्टिकर्स। आपको पहले काफी लिमिटेड स्टिकर्स मिलते थे, ये रहा इमोजी स्टिकर्स, लेकिन अब आपको काफी सारे इमोजी स्टिकर्स मिलेंगे। तो यहां पे 60 से ज्यादा इमोजी स्टिकर्स को ऐड किया गया है। तो अब केवल फेशियल एक्सप्रेशन ही नहीं, लेकिन जो बाकी के पॉपुलर इमोजी है इमोजी स्टिकर्स, उन्हें भी आप ऐड कर सकते हो अपने फोटोज में, आप देख सकते हो इस तरीके से। और आप कॉपी भी कर सकते हो, इतना नहीं आप इन्हें मिरर भी कर सकते हो, साइड चेंज कर सकते हो और इसे डिलीट भी कर सकते हो। फोटो को एडिट करते हुए अगर आप टेक्स्ट उसमें ऐड करोगे तो टेक्स्ट की साइज जो है उसे अब आप एडजस्ट कर सकते हो स्लाइडर के जरिए। पहले केवल आप इस तरीके से एडजस्ट कर पाते थे ड्रैग करके, लेकिन अब आपको मिलेगा साइज को चेंज करने के लिए स्लाइडर का ऑप्शन, ये रहा। तो आप इस पे स्लाइड करके टेक्स्ट की साइज को चेंज कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब आप किसी भी जीआईएफ को या गिफ को एडिट करोगे तो आपको मिलेंगे दो नए ऑप्शन। अगर आप एडिट पे टैप करोगे तो अब आप किसी भी जीआईएफ को ट्रिम कर सकते हो बिगिनिंग से और एंड से। तो आपको मिलेगा आप ट्रिम का नया ऑप्शन, ये रहा। तो आपको जितना पोर्शन रखना है उतना पोर्शन आप रख सकते हो, क्योंकि अब आपको मिलता है ट्रिम का ये नया ऑप्शन। इसके अलावा अब आपको मिलता है फ्री का नया ऑप्शन। फ्री फॉर्म का मतलब कि आप किसी भी रेशियो में जीआईएफ को क्रॉप कर सकते हो। पहले फ्री फॉर्म का ऑप्शन नहीं था, अब आप अपने हिसाब से किसी भी रेशियो में क्रॉप कर सकते हो अपने गिफ को और सेव कर सकते हो। फिल्टर्स को अप्लाई करना और एक्सेस करना काफी आसान हुआ है, क्योंकि अब सारे जो फिल्टर्स होंगे आपको एक ही लाइन में शो करेंगे। क्योंकि पहले क्या था, तो पहले माय फिल्टर्स और ओरिजिनल दोनों एक साथ शो करते थे, लेकिन अब आपको सभी फिल्टर्स एक ही लाइन में शो करेंगे। अगर आप कोई डाउनलोड करते हो या आप खुद से क्रिएट करते हो तो वो भी आपको एंड में शो करेंगे। यहां पे आप देख पा रहे हो फिल्टर वन यहां पे शो करता है, और अगर आपको किसी को डाउनलोड करना हुआ या ऐड करना हुआ तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो, और जो भी आप क्रिएट करोगे आपको उसी लाइन में शो करेंगे
आप देख पा रहे हो, ये रहा फिल्टर वन फिल्टर टू, तो एक लाइन में सभी फिल्टर सब आपको शो करेंगे। स्टोरीज को देखना काफी मजेदार हो चुका है क्योंकि चालू स्टोरीज में अब आप अपनी फोटोज को चेंज कर सकते हो स्वाइप करके। आप देख पा रहे हो ये कर पा रहे हो मैं चालू स्टोरीज में। इसके अलावा आप स्वाइप अप करके आपके जो सारे फोटोज है स्टोरीज में उन्हें देख सकते हो, और आप जिस पे टैप करोगे उस फोटो से स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। अब आप अपने गैलरी ऐप में किसी भी एल्बम को लॉक करके रख सकते हो, और वो भी पासवर्ड प्रोटेक्शन के साथ, जैसे कि मैंने इस एल्बम को लॉक किया है। अगर मुझे इसे ओपन करना हुआ तो मुझे पिन या फिर फिंगरप्रिंट एक्सेस देना पड़ेगा, तब जाके मैं उस एल्बम को ओपन कर सकता हूं इस तरीके से। तो अगर आप भी इस तरीके से लॉक करना चाहते हो किसी एल्बम को, तो आपको उस एल्बम पे लॉन्ग टैप करना है, मोर पे टैप करना है और करिए लॉक एल्बम, लॉक हो जाएगा। अगर आपके फोन में ये फीचर शो नहीं कर रहा है तो आपको उसे इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट गैलरी पे टैप कीजिए, वर्जन पे आपको 13 बार टैप करना है लगातार 13 टाइम्स। बैक जाइए, फिर आपको मिलेगा गैलरी लैब्स का नया फीचर, इसे ओपन कीजिए और सबसे पहले होगा एल्बम एंट्री लॉक्स, आपको इसे ऑन करना है। इसके बाद गैलरी को रिस्टार्ट करना है, फिर आपके फोन में या गैलरी ऐप में जो लॉक का ऑप्शन होगा, लॉक एल्बम, वो शो करने लगेगा। अब बात करते हैं कैमरा में ऐड होने वाले नए फीचर्स की। तो जैसे आप जाओगे प्रो मोड में या प्रो वीडियो में, जिस किसी पैरामीटर पे या लेंस पे आप टैप करोगे तो उसके बाद आपको शो करेगा आई का बटन, और आई के बटन पे अगर आप टैप करोगे तो आपको शो करेगा कि एक्चुअली में ये लेंस कौन सा है, क्या इसका यूज है। आप देख पा रहे हो लेंस के लिए भी और जो पैरामीटर्स है उसके लिए भी, आईएसओ, स्पीड, ईवी, फोकस, डब्ल्यूबी, वाइड बैलेंस। अब इसका मतलब क्या होता है तो आप आई के बटन पर टैप करके चेक कर सकते हो कि डब्ल्यूबी मतलब क्या होता है और किस लिए इसका यूज किया जाता है। इस तरीके से आप जान सकते हो उस लेंस या फिर उस पैरामीटर के बारे में आई के बटन पर टैप करके। अब प्रो मोड में आपको मिलता है लाइव हिस्टोग्राम का फीचर। हिस्टोग्राम मतलब कि पिक्चर में जो लाइट है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो आप चेक कर सकते हो। अगर आप इस पर टैप करोगे तो बड़ा हो जाएगा हिस्टोग्राम, टैप करोगे छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप उसकी साइज भी चेंज कर सकते हो। आप कैमरा में मोड में अगर आप जाओगे और किसी भी मोड को ओपन करोगे, और यहां से अगर आपको डायरेक्टली फोटो मोड में जाना हुआ तो आपको अब मिलेगा बैक के लिए बटन, ये है एरो बटन। एरो बटन पे अगर आप टैप करोगे तो डायरेक्टली आप फोटो मोड में जा सकते हो इस तरीके से। तो किसी भी मोड में आप हो, जो भी मोड में यहां पे है उसमें से अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो बैक, तो यहां पे है बैक का बटन, डायरेक्टली ओपन होगा फोटो मोड। जूम बार को कंडेंस किया गया है, मतलब कि दो लेंस के बीच में जो पहले डिस्टेंस थी वो ज्यादा थी, अब डिस्टेंस कम कर दिया गया है दो लेंस के बीच में, मतलब कि अब आप कम मूवमेंट में ज्यादा जूमिंग कर पाओगे। अगर आपके फोन में टेलीफोटो लेंस है तो आप अब टेलीफोटो लेंस का भी यूज कर पाओगे फूड मोड में, ताकि आप काफी पास से फूड के फोटो को कैप्चर कर सको। तो आपको जाना है फूड मोड में और आपको मिलेगा अब 3x जूम, जो है ऑप्टिकल जूम। तो अगर आपके फोन में है टेलीफोटो लेंस तो अब आप उस ऑप्टिकल जूम का भी यूज कर पाओगे, चाहे आपके फोन में 2x हो या 3x हो, ताकि पिक्चर काफी पास से और क्लियर कैप्चर हो। अब आप अपने फोटोज में वाटरमार्क को भी ऐड कर सकते हो, और आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो एलिमेंट्स को। तो आपको जाना है सेटिंग्स में और ये है वाटरमार्क, यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सबसे पहले कस्टम, अगर आप इस पर टैप करोगे तो आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट यहां पे ऐड कर सकते हो। इसके बाद है डेट एंड टाइम, अगर आपको शो करना है तो टिक कीजिए, नहीं करना है तो अनटिक कीजिए, तो डेट एंड टाइम यहां पे शो नहीं करेगा। इसके अलावा फॉन्ट आपको कौन सा रखना है, तो यहां पे मिलेंगे आपको 3 फॉन्ट स्टाइल, आपको जो सेट करनी है फॉन्ट स्टाइल उसे चूज कीजिए। और अलाइनमेंट मतलब कि जो वाटरमार्क है कहां पे रखना है, लेफ्ट में, बीच में या राइट में, तो आप जो अलाइनमेंट है यहां से एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। अब बात करते हैं कीबोर्ड में ऐड होने वाले नए फीचर्स की। आपको पता होगा जब भी आप इमोजी बटन पर टैप करते हो तो आपको मिलते हैं सारे स्टिकर्स, इमोजी, इमोजी पेयर, बिटमोजी, मोजीटोक। तो अब आप इन्हें भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हो, आपको लॉन्ग टैप करना है और इस तरीके से अब आप इन्हें भी मूव कर सकते हो। पहले ये मूव नहीं होते थे, आपको लॉन्ग टैप करना है और ड्रैग करना है मूव करने के लिए। इमोजी पेयर के लिए अब काफी सारे नए इमोजी को ऐड किया गया है। तो अगर आप जाओगे इमोजी पेयर में और करोगे क्रिएट, तो अब पहले से ज्यादा इमोजी आपको शो करेंगे। तो आप अब केवल फेशियली नहीं लेकिन जो दूसरे इमोजी है वो भी ऐड कर पाओगे, जो आपको नॉर्मली देखने मिलते हैं इमोजी सेक्शन में। तो आप चाहो तो इसके प्लेस पे इसे ऐड करके इमोजी पेयर क्रिएट कर सकते हो। तो अब केवल
फेशियली नहीं तो फेशियल प्लस कोई भी जो दूसरे इमोजी है उन्हें भी आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से। इमोजी सेक्शन में आपको मिलेगा अब काओमोजी पैक का नया फीचर, मतलब कि जो जापान में यूज होते हैं सिंबल के साथ इमोजी सेंड करना, अब उसे भी ऐड किया गया। तो आपको बस टैप करना है उस इमोजी पे, इसके बाद आप उस सिंबल को सेंड कर सकते हो। इसके अलावा जो स्टिकर के प्रीव्यू है वो भी आपको शो करेंगे, तो आप काओमोजी स्टिकर या जो इमोजी है उसे भी सेंड कर सकते हो अपने कीबोर्ड से। आप स्पेस बार रो स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, मतलब कि स्पेस बार के लेफ्ट और राइट में कौन से सिंबल होने चाहिए आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। तो आपको जाना है कीबोर्ड की सेटिंग्स में, लेआउट में, तो ये है स्पेस बार रो स्टाइल। तो नॉर्मली आप देख पा रहे हो कीबोर्ड में यहां पे शो करेंगे कोमा और फुल स्टॉप, अगर मैं चाहूं तो कोमा को डिसेबल करूंगा, यहां पे कोमा शो नहीं करेगा। इस तरीके से आपको जो शो करना है उसे यहां से इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। कीबोर्ड के राइट और लेफ्ट में वही सिंबल शो करेंगे जो आपने इनेबल किए हैं। मान लो आप कीबोर्ड में टाइपिंग कर रहे हो और बीच में आपको कुछ ऐसा टाइप करना है जो काफी लंबा है, जो पहले से ही टाइप किया हुआ है किसी डॉक्यूमेंट में या किसी फोटो में, तो आप उस फोटो को स्कैन करके डायरेक्टली उस टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हो अपने चैट से या मैसेज में। तो आपको इस थ्री डॉट पर टैप करना है और आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का ये फीचर, इस पर टैप कीजिए। जिस फोटो और डॉक्यूमेंट से आपको टेक्स्ट को स्कैन करना है उसे स्कैन कीजिए इस तरीके से, और फिर आपको करना है टी पे टैप सब टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। फिर आप जितना पोर्शन चाहते हो पेस्ट करना उसे आपको करना है सिलेक्ट और फिर कीजिए पेस्ट। तो जो आपने पोर्शन सिलेक्ट किया है वो पूरा पोर्शन आप यहां पे देख पा रहे हो, आपने कुछ भी टाइप नहीं किया, बिना टाइप किए आपने सब कुछ यहां पे पेस्ट कर दिया है, आपका टाइम और एफर्ट सेव हो चुका है। बात करते हैं बिग्सबी रूटीन्स की, तो उसमें भी कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। जैसे आप जाओगे क्विक टॉगल में, रूटीन्स को नाम दिया गया है मोड्स, तो आप अगर इस पर लॉन्ग टैप करोगे तो आपको मिलेंगे नए नए मोड, और ये है स्लीप, ड्राइविंग, एक्सरसाइज, रिलैक्स और वर्क। ये है प्रीसेट्स, मतलब कि पहले से सेट किए गए हैं, बस आपको सेटिंग्स को ऑन ऑफ करना पड़ता है। जो भी रूटीन्स है, एक्टिविटी है, कंडीशन है, वो सब कुछ यहाँ पे प्रीसेट्स में दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लो मुझे करना हो ड्राइविंग, तो यहाँ पे आप देखोगे पहले से यहाँ पे कंडीशन दी गई है, इसके अलावा कौन सा ऐप ओपन करना है सब कुछ यहाँ पे पहले से दिया जाता है, बस आपको ऑन ऑफ करना है उस सेटिंग्स को, और आप आसानी से अलग अलग मोड को ऑन कर सकते हो अपने अलग अलग सिचुएशन और एक्टिविटी के हिसाब से। अब आपके फोन में कोई भी रूटीन्स चल रहा है या कोई भी रूटीन एक्टिव है तो उसे ढूंढना काफी आसान है, क्योंकि रूटीन्स में अगर आप जाओगे तो जो भी रूटीन एक्टिवेट है, जो भी रूटीन चल रहा है वो आपको हमेशा टॉप में ही शो करेगा। तो आप काफी इजीली पता कर पाओगे कि कौन सा रूटीन चल रहा है आपके फोन में अभी फिलहाल। अब रूटीन्स में आपको मिलते हैं नए नए सिचुएशन, जैसे कि अब आप फ्लाइट मोड में भी रूटीन को रन कर सकते हो, तो आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। इफ पे टैप करोगे तो आपको मिलेगा अब नया फ्लाइट मोड जो पहले नहीं था, अब फ्लाइट मोड के लिए भी रूटीन यहां पे दिया गया है। अगर फ्लाइट मोड आप ऑन करते हो तो क्या क्या होना चाहिए। इसके अलावा कंडीशन में आप जाओगे तो आपको अब मिलता है एक्सेसिबिलिटी में नया ऑप्शन, और वो है असिस्टेंट मेनू का। तो असिस्टेंट मेनू और लेफ्ट और राइट साउंड बैलेंस दोनों को ऐड किया गया है देन में कंडीशन में। अगर आपके पास टाइम नहीं है रूटीन्स को क्रिएट करने का तो आपको मिलेंगे अब कई सारे प्रीसेट रूटीन्स, आप उनमें से किसी को भी चूज करके रूटीन सेट कर सकते हो, काफी आसान है। तो आपको कंपास के आइकन पर टैप करना है, ऑल रूटीन्स पर टैप करना है, और ये है सारे रेडीमेड रूटीन्स जो बनाए गए हैं पहले से ही, आपको बस इन्हें इनेबल करना है। जैसे कि स्ट्रीमिंग वीडियो, अगर आप कोई भी वीडियो प्ले करते हो तो क्या होना चाहिए, तो यहां पे सेट किया गया है। अगर मैं यूट्यूब ओपन करूंगा, वाईफाई ऑन होगा, डॉल्बी एटमॉस ऑन होगा, डीएनडी ऑन होगा, स्क्रीन ओरिएंटेशन ऑटो रोटेट पे सेट होगा। इस तरीके से आप अलग अलग एक्टिविटी के लिए जो रूटीन्स है उसे इनेबल कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पे रेडीमेड दिया गया है, आपको क्रिएट नहीं करना है, बस इनेबल करना है। अब बात करते हैं एआर इमोजी में ऐड होने वाले नए फीचर्स की। जैसे आप एआर जोन को ओपन करोगे और जाओगे एआर इमोजी कैमरा में, तो जो मास्क मोड है उसमें नए फीचर को ऐड किया गया है, मतलब कि आप जो बैकग्राउंड है उसमें कोई भी फोटो ऐड कर सकते हो। तो आपको इस बैकग्राउंड के बटन पर टैप करना है, गैलरी पर टैप करना है, और अब आप देखोगे आप कोई भी फोटो ऐड कर सकते हो बैकग्राउंड में। तो ये रही बैकग्राउंड फोटो। और इमोजी स्टिकर्स में जो भी स्टिकर्स पैक आपने क्रिएट किए हैं, आप चाहो तो उनके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। तो आपको उस इमोजी स्टिकर को ओपन करना है, पेंसिल के आइकन पर टैप करना है, और आपको फोटो के आइकन पर टैप करना है, और आपको मिलेगा अब ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन, ये रहा दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट के लिए, मतलब जो बैकग्राउंड है ट्रांसपेरेंट रहेगा। तो आप काफी अच्छे से स्टिकर को शेयर कर सकते हो, आपको सेव करना है, फिर आप चाहो तो इसे कर सकते हो शेयर। अब आप देखोगे बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट रहेगा,
इस तरीके से आप स्टिकर को शेयर कर सकते हो किसी भी ऐप में। अब आप एक ही वीडियो में दो अलग अलग इमोजी को ऐड कर सकते हो। आपको एआर इमोजी स्टूडियो पे टैप करना है, फिर आपको करना है क्रिएट वीडियो। आपको मिलेंगे दो स्टाइल जिसमें है दो इमोजी, तो आप उन्हें सिलेक्ट कीजिए, ये या फिर ये। और आप जो इमोजी स्टाइल है अगर आपने क्रिएट किया होगा तो उसे चेंज भी कर सकते हो। आपको पीपल के आइकन पे टैप करना है और आप देखोगे मुझे अगर इसे निकाल के इसे ऐड करना है तो मैं इस तरीके से भी ऐड कर सकता हूं और ये वीडियो क्रिएट कर सकता हूं दो इमोजी वाला। डेवलपर ऑप्शंस में एक नए ऑप्शन को ऐड किया गया है। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, डेवलपर ऑप्शंस में आपको जाना है नेटवर्किंग में और आपको मिलेगा नया ऑप्शन, ये रहा नेटवर्क डाउनलोड रेट लिमिट। तो इसमें आपको मिलेंगे अलग अलग ऑप्शंस स्पीड लिमिट के लिए। तो आपको जितनी स्पीड लिमिट करनी है, मान लो मैंने सेट किया है 1 Mbps, तो मैं जो भी डाउनलोड करूंगा वो मैक्सिमम 1 Mbps पे डाउनलोड होगा। अगर आपकी स्पीड, आपके नेटवर्क की स्पीड 5 Mbps होगी फिर भी आपका नेटवर्क 1 Mbps तक ही मैक्सिमम स्पीड दे पाएगा। इस तरीके से आप जो स्पीड है उससे लिमिट कर सकते हो डाउनलोडिंग के दौरान। अब बात करते हैं बग्स की, तो एस पेन और जो एयर कमांड है अब वर्क नहीं कर रहे। तो अगर आप जाओगे एडवांस फीचर्स में और एस पेन में, तो इसमें जो एयर एक्शन है वो अब वर्क नहीं कर रहे हैं किसी भी ऐप में, और बार बार जो एयर कमांड से स्टॉप हो रहा है वर्किंग करना। बैटरी एंड डिवाइस केयर में भी एक बग मैंने नोटिस किया है। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में बैटरी एंड डिवाइस केयर में, तो ये रहा एक बग आप यहां पे नोटिस कर पा रहे हो। बैटरी स्टोरेज मेमोरी के लिए तीनों के लिए अलग अलग कलर शो होते थे, लेकिन अब सभी के लिए सेम कलर शो हो रहे हैं। और ऐसा नहीं था जैसे मैंने अपडेट किया था, तो सभी के लिए अलग अलग कलर शो हो रहे थे, लेकिन कुछ देर के बाद तीनों के लिए सेम कलर यहां पे शो कर रहे हैं, तो ये भी एक बग है। चार्जिंग करने के दौरान मैंने एक चीज नोटिस की है, अब आपको सुपर फास्ट चार्जिंग ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता, केवल शो करता है चार्जिंग। हालांकि स्पीड सेम है, फोन फास्ट चार्ज होता है, लेकिन चार्जिंग केवल ऐसा लिखा हुआ आता है जब आप चार्जिंग करते हो तब। ये कुछ बग्स थे मैंने नोटिस किए। इसके अलावा अगर आप कोई भी बग या इशू फेस करते हो तो आप मुझे लिख सकते हो। तो दोस्तों ये थे टॉप 60 न्यू फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं वन यू आई 5 के बीटा 1 और बीटा 2 अपडेट में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।